हेलो दोस्तों, मैं हूँ इस समय देहरादून के गांधी पार्क में। ये देखिए, पार्क के बीच में बहुत ही अच्छे फूल खिले हुए हैं। बहुत ही अच्छा पार्क है देहरादून में, बहुत ही सुंदर फूल हैं यहाँ पे, हरियाली है और ये लोग बैठे हुए हैं। देखिए, अभी घूम रहा हूँ थोड़ा यहाँ पार्क में, बहुत ही अच्छा लग रहा है पार्क में आके। हरियाली सी है यहाँ पे, बहुत सारी बहुत सारे पौधे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है पार्क में आके। थोड़ा खाली समय निकाल के आप लोग भी घूमने आ सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर टीन शेड भी बनाया गया है बारिश से बचने के लिए, बारिश में आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये देखिए आप, टीन शेड। और यहाँ पे काफ़ी साफ सफाई है, काफ़ी साफ सुथरा रखा गया है इस पार्क को। ये देख सकते हैं आप, आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, कोई गंदगी नहीं है, साफ है। थोड़ा ये पत्ते गिर गए हैं पेड़ से, लेकिन काफ़ी अच्छा है यहाँ पे पार्क में आप बैठ सकते हैं और सुंदर सुंदर पेड़ों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और ये वीर शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पे स्मारक बनाया गया है, शहीद स्मारक। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पार्क भी है खेलने के लिए। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए स्मृति कारगिल विजय, 1999 कारगिल वॉर में जो शहीद हुए थे उनके नाम लिखे गए यहाँ पे। ये है जनपद पौड़ी गढ़वाल से, ये यहाँ पर जनपद देहरादून के शहीदों के नाम लिखे गए हैं, जनपद नैनीताल, जनपद चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इतने शहीद हुए हैं हमारे वीर। तो इनको सत सत नमन और श्रद्धांजलि सभी देशवासियों की तरफ से।
देखिए बहुत ही सुंदर पेड़ हैं यहाँ पे, बहुत सारे पेड़ हैं, तो काफ़ी अच्छी हवा मिल रही है यहाँ पे, एकदम ताजगी भरा एहसास हो रहा है। तो बहुत ही बड़ा पार्क है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं बड़े बड़े, हवा भी चल रही है यहाँ पे बहुत अच्छी, तो आप लोगों को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी ताज़गी महसूस हो रही है यहाँ पे पेड़ों की वजह से पार्क में। ये देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, ये देखिए बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, पेड़ के नीचे बैठे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत बड़ा पेड़ है ये। तो यह पार्क है जो यह घंटाघर से 500-700 मीटर की दूरी पर है इधर, तो आप घंटाघर आएंगे तो यहाँ पर आ सकते हैं आप, और आप यहाँ पर आते हैं तो स्वच्छता बनाए रखें, कुछ भी खाते हैं आप यहाँ पार्क में। तो यहाँ पे कूड़ादान रखे गए हैं बहुत सारे, हर जगह पे कूड़ेदान हैं, तो उसमें ज़रूर डालिए, गंदगी ना फैलाएं और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें, अपने पार्क को स्वच्छ रखें। तो यही मेरा संदेश है आप लोगों को, तो धन्यवाद। मैं ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चिल्ड्रन पार्क में एंट्री करने के 20 रुपये हैं यहाँ पे, ये देखिए चिल्ड्रन पार्क। और यहाँ पे सुलभ शौचालय भी है, शौचालय की व्यवस्था भी। आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा शौचालय, यहाँ पर है तो यहाँ पे जा सकते हैं आप शौचालय के लिए। व्यवस्था भी है यहाँ पे, पार्क में जिम भी है, ये देख सकते हैं आप, ये जिम भी कर रहे हैं यहाँ पे, जिम की भी व्यवस्था है, लोग जिम कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए जिम भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ पर आकर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं, घूमने के साथ साथ एक्सरसाइज भी हो जाएगी आपकी। और यह है गांधी पार्क के पास का नज़ारा, ऐसे दिख रहा है गांधी पार्क, ये मेन रोड आ रही है, ये जा रही है राजपुर रोड, ये राजपुर रोड, और ये देखिए इसके सामने गांधी पार्क के सामने का नज़ारा, और ये जा रही है घंटाघर, घंटाघर से आएंगे आप तो यहाँ आपको यहाँ पे पड़ेगा ये गांधी पार्क, और ये आ गया घंटाघर, यहाँ आ गया।